पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब कूड़ा घर में नवजात बच्चा मिला। नवजात को प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर फेंक दिया गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा स्वस्थ है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे का जन्म करीब 24 घंटे पहले हुआ है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बच्चे के माता पिता कौन हैं। ये लगभग 2 बजे हमें PCR कॉल मिली थी और राधु पैलेस के पास एक जो बिन है डस्टबिन जो था उसके पास में एक बकेट मिली थी जिसमें एक बच्चा मेल बच्चा है और वो मिला और उसकी कंडीशन अभी ठीक है। उनको इमिडिएटली रिमूव किया गया हॉस्पिटल में, जो देखने से प्राइमा फेसी लगता है तो एक दिन का बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी, उसको LBS हॉस्पिटल में इमिडिएटली रिमूव किया गया जहाँ बच्चे की कंडीशन अभी ठीक है और हम इसमें लीगल एक्शन ले रहे हैं, रिलेवेंट सेक्शंस में केस रजिस्टर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई उसको छोड़ गया है वहाँ आसपास का कोई हो सकता है, इस बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहता है कि सबसे पहले जो भी बच्चा मिले इमिडिएटली उसकी जान बचाई जाए, उसको हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद फिर हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि जो बच्चा है जो उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के गए हैं उनको हम किसी तरीके से ढूंढ निकालें। तो उसके लिए हमने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, जो हमारा जो मिसिंग की एक वो रहती है हमारा प्रोसीजर वो सारा भी हमने फॉलो किया है, उसमें जगह जगह जो इन्फॉर्मेशन दी हैं और साथ में जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ से हमें लगता है बच्चे पेरेंट्स वहाँ के हो सकते हैं वहाँ पर हमने लोकल इंक्वायरीज भी की है।